दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। योगी सरकार में गाय संरक्षण बिल्कुल बेहद योजना चल रही है और तमाम तरह की गौशालाएं भी बनाए गए हैं। गौशाला की क्या स्थिति है और वर्तमान समय में गाय को किस तरीके से और किस नज़र से लोग देख रहे हैं, और तमाम ये लोग हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि काशी की जनता क्या कहती है। ये बताइए, जिस तरीके से योगी सरकार लगातार गायों पर काम कर रही है, कोई गाय को बेच नहीं सकता है क्योंकि जो भी छुट्टा पशु थे, जानवर थे, उसको गौशाला में ही देना है। आज के दृश्य में क्या चल रहा है? गाय हमारी माता है, हम लोग गाय रखते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है। पन्नी में खाना बना लोग कर रहे थे, पन्नी बंद है, एकदम पन्नी नहीं बंद है। ये सरकार क्या है, कुछ नहीं, खाली बस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम फॉलो खाली ये कर रहे हैं। हम कहते हैं सर पोल्थीन ही बंद करिए ना, आएंगे चलान काटेंगे होगा फिर चालू। ये कैसे स्वच्छ काशी हमारे रहेगा? हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि स्वच्छ काशी का अभियान उठाए हैं, हमारा मुद्दा कि तो पॉलिथीन बंद कर दीजिए। हमारी गाय माता है, अभी ऑपरेशन हम कराए थे, जाके 20-20 किलो पॉलिथीन निकल रही है गाय माता की, पता हमारी गाय माता मर जा रही है। गौशाला खुला हुआ है, हमारी जाके देख रहे रोवा कलप गया हमारा कि हमारी गाय माता है। बताइए, ये हमारी धरोहर है धरती की। गाय न रहे तो दूध न मिले, दूध न रहे तो गोहरी न मिले। हम लोग का एकदम आयुर्वेद काशी से, काशी की धरती पे इतनी अत्याचार, गाय माताएं हमारी एकदम मारी जा रही है, जैसे कोई हत्या कर दे रहा है। ये स्थिति हमारी सरकार कर रही है। हम किसी इसको पिक्चर में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पॉलिथीन टोटल बंद कर दिया जाए। ये पॉलिथीन फिर चलेगा, अभियान आएंगा, पैसा आएंगे, 10,000-20,000 फिर चालू होता है। हम कहते हैं सर इसको पॉलिथीन बंद कर दिया। ये मिशन हमारा है कि बहुत दिन से चल रहा है ये मिशन, बहुत हमको सुनते हैं, हमारा 40 साल हो गया है। जब आएंगे तब हम, बगल में नगर निगम है, बगल में गाय वाले रखते हैं, आते हैं लादना पांट ले लिए, बीच से जाते जाते मर गई, बता हमारे सामने गाय बताए मर जा रही है। हमको देख के इतनी तलीख हो रहा है कि हमारी गौ माता इसी से धरती चल रहा, उनके पेशाब से क्या बनते, उसके पेशाब से दवा बनते हैं, उनको गोबर से पूजा होती है। ये धरोहर काशी हमको देखा नहीं जा रहा है कि आने वाले युग में ये सरकार क्या कर रही है, कैसे इस पर कड़ी एक्शन लिया जाए। हमके प्रधानमंत्री से भी कहना है ये सर के पन्नी सर बंद कर दिया जाए। हमारे आपका क्या नाम है? माई नाम है सतीश पाल। सतीश जी, ये बताइए, जिस तरीके से आप गायों की बात बता रहे हैं कि गाय प्लास्टिक खा रही हैं, और जिस तरीके, तो इतना जागरूकता क्यों नहीं आ रही है काशी के लोग में? आए दिन यहाँ पे देखा जाता है, तमाम सामाजिक संगठन अवेयरनेस करती है, जागरूकता फैलाती है, लेकिन इस काशी की जनता को क्यों नहीं जागरूक हो पा रहे हैं? काशी की जनता जागरूक इस बात नहीं हो पा रही सर। हम लोग कहते हैं पन्नी बंद कर दिया जाए, ये पॉलिथीन सर जहाँ बनता है उसको बैन कर दिया जाए। हम ये कहते हैं स्वच्छ काशी स्वच्छ अभियान है, ये जब चलेगा अभियान आएगा, लोग पैसा दे दे, लोग पैसा दे देंगे, ले लेंगे फिर वो कंपनी। हम कहते हैं पॉलिथीन बंद कर दिया जाए, नाला जाम हो जा रहा है, हमारे सफाई ठीक आ रहे हैं। सर इस तरीके से सरकार ने सीधे तौर पे गौशालाएं बनाई हैं, गौशाला की स्थिति क्या है? गौशाला अभी देखिए, अगर गौ पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गाय पर बात हो रही है, गाय हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन पूजनीय माता है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी सिंधु सभ्यता, जिसमें जिसके खुदाई में गाय और बैल उसमें दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि यह बहुत प्राचीन समय से हम लोगों के लिए पूजनीय रहा है, और गाय के एक एक चीज़ का उपयोग होता है, चाहे वो मूत्र हो, चाहे वो गोबर हो, और चाहे गाय के मृत होने के बाद भी उसके चमड़े का, मतलब गाय एक इस तरह की विरासत है हमारे संस्कृति की कि उसके एक एक चीज़ का उपयोग होता है। इसका संरक्षण और संवर्धन बहुत ही ज़रूरी है। सरकार अपने तरफ से जो भी प्रयास कर रही है उसमें, उस प्रयास में कितनी सफलता मिल रही है, हालांकि देखने पे लगता है कि अभी गायों का जो संरक्षण किया जा रहा है वह अभी धरातल पे नहीं उतर पा रहा है। लेकिन सरकार अब तो देखा जा रहा है कि नगर निगम सीधे तौर पे शहर से उसको बाहर करने का उसका योजना बनाए रही है कि शहर में नहीं रखा जाएगा, तो फिर कैसे दूध मिल पाएगा? अगर इस तरह की व्यवस्थित, अगर व्यवस्थित ढंग से हो जाए तब तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था देनी होगी। पहले व्यवस्था दे करके अगर तब
कोई प्रक्रिया की जाएगी तो निस्संदेह बहुत अच्छी होगी। ये जो सरकार की जो छुट्टा पशु हैं, एक तरीके से देखा जाए तो गौशालाएं बने, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये छुट्टा पशु से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, खासकर किसान लोग, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस पे सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? छुट्टा पशुओं पर जरूर सरकार को उस पर भी काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि कृषि को जो नुकसान हो रहा है वो उससे बचा जा सके, उनको व्यवस्थित किया जा सके। जब इंसानों के लिए व्यवस्था है तो जानवरों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से गाय को लेकर अपनी बातें बताए हैं लोग कि प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, जिसके वजह से जो जानवर हैं वो खाते हैं और मर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसके जानवर पाले हैं तो कहीं ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो ऑपरेशन के द्वारा कई किलो प्लास्टिक मिलता है और फिर उसके बाद से उसके आदमी सदमे में हो जाता है कि हमको इस गाय को हरा चारा खाना चाहिए लेकिन ये प्लास्टिक खा रही है। आज के परिवेश में क्या कुछ जिस तरीके से चल रहा है, इस पर कब जागरूकता आएगी लोगों के अंदर, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।